हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट्स बुक। आज की इस वीडियो में हम इंडिया की फेमस सिटी दिल्ली को दुनिया की मोस्ट पॉपुलर और लग्जरी सिटी दुबई के साथ कंपेयर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम दोनों सिटीज़ की जीडीपी, पॉपुलेशन, एयरपोर्ट से लेकर लिटरेसी रेट जैसे 10 से भी ज़्यादा फैक्ट्स के आधार पर इन दोनों सिटीज़ में कंपेरिजन करने वाले हैं। तो हमारा यह वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का इतिहास 1649 का है। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली को मुगल सम्राट शाहजहां ने बसाया था। उस समय दिल्ली का नाम शाहजहांबाद हुआ करता था। दिल्ली का ऑफिशियल नाम नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, जिसमें भारत की कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली भी शामिल है। वहीं अगर दुबई की बात करें तो 1960 से पहले दुबई का एरिया एक रेगिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1960 में यहां पर तेल की खोज हुई थी और उसके बाद दुबई का एरिया डेवलप होना शुरू हुआ था। फिर अगले 50 सालों में दुबई दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में से एक बनकर उभरा। दोस्तों, अगर जीडीपी की बात करें तो दिल्ली की जीडीपी 110 बिलियन डॉलर है और जीडीपी पर कैपिटा 5,200 डॉलर है। वहीं दुबई की जीडीपी 108 बिलियन डॉलर है और दुबई की जीडीपी पर कैपिटा 35,000 डॉलर है। दोस्तों, अगर एरिया की बात करें तो दिल्ली का एरिया 1,484 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं दुबई का एरिया 4,114 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी दुबई सिटी दिल्ली से 3 गुना बड़ी है। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की बात करें तो दिल्ली की पॉपुलेशन 2.9 करोड़ के आसपास है और पॉपुलेशन के मामले में मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी 11,312 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं दुबई की पॉपुलेशन केवल 32 लाख से। दुबई की पॉपुलेशन डेंसिटी 410 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, अगर रिलीजन्स की बात करें तो दिल्ली में 80% हिंदू, 12.86% मुस्लिम्स, 3.77% सिक्किम्स, 1% जैन, 1% क्रिश्चियन और दूसरे धर्मों के लोग रहते हैं। वहीं दुबई एक इस्लामिक सिटी है और इस्लाम यहां का ऑफिशियल रिलीजन है। वहीं बाहरी लोगों में हिंदू, सिख और क्रिश्चियन जैसे लोग भी यहां पर रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब कुछ खाने पीने की बात करते हैं। दिल्ली में आपको पराठा, स्ट्रीट चाट, बटर चिकन, कबाब, छोले भटूरे, चिकन बिरयानी, चिकन चंगेजी, नहारी, मोमोज, वेजिटेबल कटलेट्स, कराची हलवा, दाल बुखारा और जलेबी खाने को मिल सकती है। वहीं दुबई में आपको मोनूशे, ईरानियन संगक, छेलो कबाब, तबोले, अलहरीस, अलमजबूस, कोशामाशी, सीरीन पोलो, बाबा गनोश, पत्ते, कैलाज, फलाफील, फट्टूश, शीश ताउक, लहम्बल अजीन, महालाबिया, लकमत, ताबून ब्रेड और खनाफा खाने को मिल सकता है। अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो दिल्ली में एक व्यक्ति का औसतन खाना 100 रुपये में मिलता है। वहीं दुबई में एक व्यक्ति का औसतन खाना 500 भारतीय रुपये में मिलता है। एक लीटर वाटर बोतल दिल्ली में आपको 20 रुपये में मिलती है। वहीं दुबई में आपको 50 भारतीय रुपये में मिलती है। दिल्ली में एक व्यक्ति की औसतन सैलरी टैक्स कटौती के बाद 41,000 रुपये होती है। वहीं दुबई में 2,30,000 भारतीय रुपये होती है। एक लीटर पेट्रोल दिल्ली में लगभग 72 रुपये का मिलता है। वहीं दुबई में 40 भारतीय रुपये में मिलता है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो दिल्ली में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है और हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। यहाँ पर हिंदी के साथ पंजाबी और उर्दू को भी एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। वहीं दुबई की बात करें तो अरबिक लैंग्वेज दुबई की ही नहीं बल्कि पूरे यूनाइटेड अरब इमारतीज़ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। दुबई में इमारतियों के मुकाबले दूसरे देशों के लोग ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, पर्सियन, सिंधी, मराठी, तेलुगु, टैगलॉग और चाइनीज़ भाषा बोलने वाले लोग भी यहाँ पर रहते हैं। दोस्तों, अगर एयरपोर्ट की बात करें तो दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट 2017-18 में 6.5 करोड़ पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया था और यह एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बिजीएसियस और दुनिया का 25वां सबसे बिजीएसियस एयरपोर्ट रहा था। वहीं दुबई के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 2017-18 में 8.8 करोड़ पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया था, जिसके चलते 2018 में दुबई दुनिया का 4था सबसे बिजीएसियस एयरपोर्ट बना था। लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोगों की बात करें तो दिल्ली का लिटरेसी रेट
86.21% है, वहीं दुबई का लिटरेसी रेट 95% है। चलिए दोस्तों अब कुछ घूमने फिरने की बात करते हैं। दिल्ली में आप रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, लोटस टेंपल, लोधी गार्डन, अक्षरधाम टेंपल, इंडिया गेट, जामा मस्जिद, राष्ट्रपति भवन, हुमायूं टॉम, जंतर मंतर और चांदनी चौक जैसी जगहों पर घूमने जा सकते हो। वहीं दुबई में बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, दुबई म्यूजियम, दुबई क्रिक, जुमेरा मस्जिद, शेख जायद रोड, दुबई एक्वेरियम, बुर्ज अल अरब, जुमेरा बीच, मॉल ऑफ द इमरतीस, IMG वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर, दुबई मरीन, दुबई डॉल्फिनियम और पाल्म आइसलैंड जैसी जगहों पर घूमने जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था दुबई और दिल्ली के बीच कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।